आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने जीवन में किन लोगों का साथ छोड़ना है और किन लोगों का साथ चुनना है। आप कैसे लोगों के साथ हैं यह भविष्य की ऊंचाई निर्धारित करने में बेहद महत्व रखता है। आप अपने माता पिता, भाई बहन आदि को नहीं चुन सकते, परंतु जीवन में कैसे मित्रों को साथ रहना है इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर शक्ति है तो दूसरे गलत लोग आपको प्रभावित नहीं कर सकते। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो दूसरे आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। मेरा मानना है कि इंसान जैसे लोगों का साथ करता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके अंदर वैसे गुण पैदा हो जाते हैं। वह धीरे धीरे उस आचरण को ग्रहण करता है। कुछ लोग दृढ़ होते हैं जो अपने आप को खराब मित्रों के साथ भी श्रेष्ठ बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खराब साथियों का साथ करने का दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, यदि आपका साथी चोर है, भले ही आप उसके साथ चोरी में शामिल ना हो, लेकिन भविष्य में आपके ऊपर भी शक किया जा सकता है। यदि आपके साथी निराशावादी हैं तो धीरे धीरे आप भी निराशावादी हो जाएंगे। यदि आपके साथी समाज में सम्मानित नहीं है और उनके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, तो यकीनन उनके साथ रहने से आपको भी बहुत से लोग संदेह की नज़र से देखना शुरू करेंगे। आप दुनिया में हर व्यक्ति को जाकर सफाई तो नहीं दे पाएंगे कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं उनके कारनामों का हिस्सा नहीं है। आप जिन मंजिलों को पाना चाहते हैं, आप अपने जिन सपनों को साकार करना चाहते हैं, उसी दिशा में जाने वाले लोगों का साथ आपको चुनना होगा, उन्हीं का आपको अनुसरण करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से जानते हैं किन लोगों का साथ आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। उन लोगों का साथ आपको जल्दी से छोड़ देना चाहिए जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं। उन लोगों का साथ आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, जिन पर कभी भी कानून की मार पड़ सकती है। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, जो पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले भय पैदा कर देते हैं। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं। उन लोगों का साथ छोड़िए जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, और उन लोगों का साथ छोड़िए जिनके लिए धन की प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत।